अच्छा जी, सावन कुमारी का जन्मदिन है, काफी कामयाब फिल्में बनाई अपने कैरियर में। बिल्कुल, बहुत कमाल की फिल्में बनाई हैं उनने। हीरोइन ओरिएंटेड पिक्चरें बनाते थे बहुत सारी, और सुपर हिट पिक्चरें बनाई हैं उनने। सावन जी, आई थिंक हम प्रे करते हैं बहुत लंबी उम्र, हैप्पी एंड ऑल, बिकॉज वो दिल से बड़े यंग ही रहे। बहुत देर हो गई, मैं मिला नहीं उनसे, लेकिन बहुत बार मिला हूँ, और जब भी मिला हूँ हमेशा वो हैप्पी फ्रेंडशिप, और आई थिंक जीतू जी और सबकी गैंग बहुत बहुत ब्रिलियंट आदमी हैं। कुछ ना कुछ चलता रहता है आजकल, शो कर रहे हैं, तीन शो हैं हमारे इस हफ्ते में, हेलो डार्लिंग भी है, गोलमाल भी है, तो तीन प्ले हैं। डैड के लिए एक हमारा नवी चीज़ आने वाली है, उनके बर्थडे पे निकाल रहे हैं, डैड की फिल्म हमारी वेट है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ लाइफ है। सावन कुमार जी, बट शी नोज well, what is it, birthday? she's not met him, so she wouldn't okay, so yeah, it's anyway, very happy birthday, and it's a lovely place, we're happy to be here, and wishing good luck for this venture. Krishna ji, Sawan Kumar ji ko to tum to jaanta ho. बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन फिल्म उन्होंने बनाए, बहुत सारे सुपर हिट्स दिए हैं, और उनके बर्थडे के लिए बहुत सारे शुभकामनाएं। बिंदु है, मैं हूं, और बहुत सारे लोग उनके बर्थडे पे विश करने आए हैं, और वी विश हिम ऑल द बेस्ट एंड अ लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ। सावन जी खुद एक सदाबहार इंसान है, और आज भी उनके दिल में एक 15 साल का लड़का रखता है, जो उनकी लिरिक्स में, उनकी फिल्मों में, उनके गानों में, और जो भी क्रिएटिव वर्क उन्होंने किया है उनकी सारी फिल्मों में ये झलकता है। आज भी जब आप उनसे मिलो तो इतनी प्यारी सी स्माइल के साथ वो आपको वेलकम करते हैं। उनके जन्मदिन पर मैं उनको दिल से मुबारकबाद देता हूँ, बहुत लंबी उम्र हो, इसी तरह वो ब्यूटीफुल गानों से, कविताओं से, पोएट्री से, और फिल्मों से हमें और ऑडियंस को एंटरटेन करते रहें, और ऐसे लेजेंड्स ताउम में जिंदा रहें और हमेशा हमें एंटरटेन करते रहें। हैप्पी बर्थडे सावन जी। सर, आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपने एक फिल्म डायरेक्ट किया, अभी क्या फ्यूचर में करने वाले, कौन अभी एक फिल्म मेरी रिलीज़ है भैया जी, सुपर हिट 19 अक्टूबर को, इसमें सनी देओल हैं, प्रीति जिंटा है, हर्षद वारसी है, श्रेयस्कर पटेल, अमीशा पटेल, तो उसी के पोस्ट से मैं अभी डायरेक्ट आ रहा हूँ, उसकी रिलीज के लिए बस बिजी हूँ। तो जाना चाहूँगा भैया जी, सुपरहिट को लेकर काफ़ी सारे विवाद भी हुए, मतलब क्या ऐसा है इस फिल्म में जो देखने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब की बात कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं? नाम नहीं, सुपरहिट है भैया जी, सुपरहिट तो एंटरटेनमेंट है, अच्छी एंसेंबल कास्ट है, काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट कॉमेडी है, तो मुझे लगता है कि ये पिक्चर 19 अक्टूबर को दशहरे के दिन जब रिलीज़ होगी तो लोग निराश नहीं होंगे, लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। और आप लोग शायद ये सवाल पूछोगे, नीरज जी पिक्चर अच्छी जा रही है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपसे हम सब क्या, एक ऐसा क्या विषय है या क्या खास है जो फिल्म को लेकर कुछ विवाद हुआ था पहले भी या अभी भी हो रहा है? पिक्चर में विवाद तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्या हुआ था आप किस बारे में कह रहे हैं, आप बताइए। विवाद तो कुछ नहीं था, ठीक है, छोटे मोटे विवाद तो ना हो तो पिक्चर प्रमोशन कैसे होगा? जी जी जी, मुझे लगता है वो विवाद पिक्चर को हेल्प ही करते हैं जी, तो वी आर हैप्पी नाउ, वी आर रेडी टू कम ऑन 19 अक्टूबर। और सनी और अमीशा की जी जी, तो गदर में काफ़ी कमाल किया था, तो बहुत कमाल किया था, और इसमें उनका बड़ा अलग रोल है, दोनों की जोड़ी है, और बड़ी एंटरटेनिंग काम है दोनों ने किया है। आई एम होपिंग कि वो और प्रीति दोनों हैं तो दोनों सनी के साथ काम कर चुकी हैं, तो वो दोनों लोगों को पसंद आए वो जोड़ी, और वही गुड लक जो उस पिक्चर को मिला था हमारी पिक्चर को मिला। सावन पॉइंट का बर्थडे है, अरोमा में क्या कहना चाहिए, अरोमा के बारे में सावन पॉइंट के लिए सलाम देखो, सुनने के संपर्क के साथ क्या कहना चाहिए?
तो उनके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल विश हिम एनी मोर हैप्पीनेस ऑफ द डे एंड इस जगह के बारे में बहुत ही खूबसूरत जगह है. आई वुड विश पीपल कि सब लोग यहाँ पे आए, इस जगह का आनंद उठाएं. थैंक यू. तो या इट्स गुड. मुंबई में लाइक चैलेंजेस हैं लेकिन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना इट्स अवर जॉब. सो या एंजॉयिंग इट. सॉरी. या आई एम डूइंग टू तमिल मूवीज एंड आई एम डूइंग आई हैव डूइंग वन तमिल सीरियल. द तमिल सीरियल गॉट ओवर सो आई एम डूइंग टू मोर तमिल मूवीज एज अ लीड. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल विश हिम वेरी हेल्दी लाइफ एंड बहुत सारी फिल्में की उन्होंने. तो आई विश हिम द हैप्पी बर्थडे एंड हेल्दी लाइफ अहेड. अरोमा के बारे में अभी मैंने कुछ खाना टेस्ट किया है. इट इज़ वेरी नाइस. पक्का पोट भरून तुम्ही खाऊन जाऊ शकता. सर आपके ऊपर चला. सर अभी इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, हे हमें है यकीन. उसके बाद शराब के ऊपर काफ़ी गाने हैं कि क्योंकि माहौल ऐसा है कि जब मैं लंदन जाता हूँ तो मेरे को ऐसा फील, आज ऐसा फील हो रहा है कि अपने इस बार में आके ऐसा फील हो रहा है कि मैं लंदन में हूँ रियल में. जब हम यूके में शो करने के लिए जाते हैं, गल्फ में जाते हैं, तो आज पहली बार जिस हिसाब से मुझे इन्विटेशन दिया है और आप मीडिया मेरे सामने है, और मैं बहुत आप सभी लोगों का इतना अभिवादन करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी हम जाते हैं आप लोगों का बहुत बड़ा साथ रहता है हमारा. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और कोई एक गाना अच्छा बताइए ताकि मैं गाऊँ प्लीज़. अभी आपने इतना मीडिया कवर कर लिया मैं भूल गया हूँ सब कुछ. आपकी एक मनपसंद का कोई भी गाना बोली मैं गा लूँगा. ला 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 तुम्हारा क्या काम है जो है नाम वाला. हार जो है नाम वाला वही तो बदनाम है. मेरे यंगने में तुम्हारा क्या काम है. पहले शुक्रिया तो उन्होंने बता दिया और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने काम भी किया उनके साथ में. कुछ महीना अभी मैंने उनसे मुलाकात की. बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन जी. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसे और इसी तरह खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अच्छे से अच्छा काम करें. हाँ नहीं, यहाँ तो मैं पहली बार आ रहा हूँ लेकिन अरोमा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी अच्छा है. हाँ मेरी बात आई है तो इसकी रिक्वेस्ट पे मैं आया हूँ. तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतिम को. और अरोमा का भी काफ़ी ब्रांचेस खुल गए हैं यहाँ पे, लेकिन अलग ही एक यूनिक तरीका होता है. मुझे लगता है जिसे आजकल के नौजवानों को पसंद आएगा. ये सब देख रहा हूँ मैं, अच्छा से बनाया है, थोड़ा डिफरेंट है. नॉर्मल रेस्टोरेंट की लोग इस तरह नहीं होती, बट यही आज कल जो चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं उनका एक अलग किस्म का डेकोर है. तो मुझे उम्मीद है लोग पसंद करेंगे. मेन रोड पर है मैं अभी एज यूजल साउथ में मेरी फिल्में चालू हैं, उनमें बिजी हूँ. अभी मैंने एक टीवी सीरीज़ ख़त्म किया है पृथ्वी वल्लभ करके. अक्टूबर में मेरी पंजाबी फिल्म शुरू होगी. तो मेरी जो पोजीशन ये है कि मैं जहाँ भी मुझे जो अच्छा मिलता करने के लिए वो करता हूँ. और मेरे लिए कोई बाउंड्री नहीं है.
मैं किसी भी लैंग्वेज में काम कर लेता हूँ, वहाँ मुझे लगता है कि ये चैलेंजिंग है, डिफरेंट है, तो उस तरह लगे हुए। माय नेम इज राघव ऋषि एंड आई एम ए सन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू अंतिम। वी हैव एन आउटलेट ऑफ अरोमाज इन पवई वेयर वी लिव, सो आई एम श्योर कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम एंड बी अ सक्सेस। I have just finished a movie which is under post production, and once that is done it will surely come out and you all will get the news. So what kind of guidance do you get from the successful father working so many movies? He's any and everything. I can talk to him about any and everything, and as far as movies are concerned he is my backbone, and I am glad and I'm fortunate that I have him. We're definite about, you know, kind of taking the game to the next level. You're celebrating a celebrity's birthday, Salman Khan, who makes Salman Khan son of Bewafa, you might have. Right. So what do you have to say about the So we really appreciate Mr. Sawant Kumar coming. So I'm almost 40 and I've grown up to watch his movies, you know, and big fan. And we really give him a lot of credit for coming to Aroma Zoshiwara and gracing the occasion. And what's the reason for the future as So like I said, you know, we plan on growing Aromas all across India, and our first target is definitely going to be the tier 1 cities like Delhi, Bangalore and Hyderabad and all. And we hope to have around 99 outlets in the next 5 years. That's our immediate goal. हम लोगों ने नहीं लाया अभिषेक जी आप खिलाओ जी, सबको खिला रहे निर्मल जी, आपको खाना है? ओके सर We like to wish Aroma's team in Oshiwara all the best, and with the beer and wine lounge today, you know, nothing like it. So thank you so much everyone for stopping by today. All the best. Okay sir, thanks.